खैरियत था, पहले सब में नहीं आया डायरेक्ट, आप पीछे आगे क्या हुआ? खैर यार असल में भागते भागते आया हूँ यार, तू यहीं पर सही है। क्यों यार, पहले में तो आ सकते थे, कितनी जगह खाली है, आप यहाँ पढ़ लेते। यार असल में ना यहाँ पर ये है। मेरे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पहली सफ में नमाज पढ़ने की फजीलत पता लग जाए तो तुम पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए कुरानदाजी करो। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि जो सफ के पीछे नमाज पढ़ रहा था, हालांकि पहली सफ में जगह थी। तो जब उसने नमाज से फारिग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, दोबारा नमाज पढ़ो। और इसी तरीके से एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पहली सफ में नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। और जो शख्स पहली सफ में पहली सफ़ों को जोड़ता है और सफ को भर देता है तो अल्लाह ताला उसके सबब एक दर्जा उसका बुलंद करते हैं। ठीक है मेरे भाई। और मेरे भाई आपने ये जो बात भागने वाली की कि मैं भागता भागते आया हूँ, इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद की तरफ आओ तो भागते हुए मत आओ, जो नमाज तुमको मिल जाए उसे पढ़ लो और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। जज़ाकल्लाह खैर हसनैन भाई, आपने मुझे पहली सफ में नमाज़ पढ़ने की फजीलत बताई। चले मैं पढ़ता हूँ आपके साथ पहली सफ में नमाज़।